वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक टीम्स, जहां पर मैच हो रहा है यूरो क्वालिफायर्स लीग का रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड वर्सेस नीदरलैंड्स के बीच। 12:15 बजे खेला जाएगा ये मैच। एंड बात करें, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। तो बात करें अगर हम इस मैच की, तो आयरलैंड एंड नीदरलैंड्स के अंदर मैं आपको बता दूं कि नीदरलैंड टीम बहुत तेज़ है। पूरे यूरोप के अंदर अगर देखा जाए तो एक मेरे को इंग्लैंड अच्छी लगती है, एक मेरे को जर्मनी टीम अच्छी लगती है, और मेरे को एक फ्रांस अच्छी लगती है। मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू। और मेरे को नीदरलैंड भी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मेरा प्रॉपर फेवर नीदरलैंड को रहेगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक तो आपको दे दिया है, और कल भी टीम ओपन दी थी, कल मज़ा आ गया था। बट आज की बात करें तो स्टैट्स की ओर चलते हैं। आयरलैंड एंड नीदरलैंड तो 2-3-4-10 मेंबर कॉन्टेस्ट खेलना है। आयरलैंड अभी बहुत पीछे है, आयरलैंड का जीतना इस मैच के अंदर, अगर आयरलैंड ये मैच जीत जाती तो आयरलैंड के लिए खुशी का ठिकाना नहीं होगा, लेकिन जीतना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है नीदरलैंड से जीतना, क्योंकि नीदरलैंड किसी भी लीग के लिए क्वालिफाई कभी भी कर सकती है, और ये तो यूरो क्वालिफायर्स है, ये तो एक तरह उनका होम है, होम कॉन्टिनेंट है, इसलिए उनको दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले बात करें सम की प्लेयर एंड कैप्टन सजेशन की, तो सी गैक्पो, मैं आपको बता दूँ सी गैक्पो को पहले मैंने देखा था, पहले शुरू से बंदा ना उसमें नहीं है, लिवरपूल में, पहले किसी और टीम में था, वहाँ पर इसने खूब गोल किए, फिर ये लिवरपूल में आया तो ये काफ़ी ना वीक पड़ गया। मतलब जब ये लिवरपूल क्लब में गया था तो शुरू में बड़ा वीक, कोई गोल नहीं, मतलब ये मान लो शुरू के मैचेस में तो इसका गोल आया नहीं, लेकिन अभी इस साल जो शुरुआत दी है इन्होंने प्रीमियर लीग में, और जो शुरुआत इन्होंने इंटरनेशनल फ्रेंडली लीग में दी है, वो यादगार है। सी गैक्पो ने दबा के अच्छा प्रदर्शन दिए हैं, और इंटरनेशनल लेवल की जहाँ तक बात आ जाए अपने देश के लिए, तो वहाँ तो अच्छा करेगा ही। और वेगोर्स की बात करें, वेगोर्स ने लास्ट मैच में अनएक्सपेक्टेड गोल कर दिया। जब ये मैनचेस्टर यूनाइटेड में था, लोग मुझे मना करते थे, भाई मत लो वो हरवा देगा, भाई मत लो वो हरवा देगा, और सच्ची वैसा ही होता था। जिस दिन मैं इसको लेता था ये गोल नहीं करता था, और जिस दिन ना लूँ तो जीतता था, क्यों, क्योंकि गोल करता ही नहीं था। लेकिन अब बात आ जाती है इंटरनेशनल की, तो इंटरनेशनल में बहुत गोल आए हैं, पिछले मैच तक में गोल आया, सो इसको छोड़ना ना मतलब इम्पॉसिबल है। और एक सिमंस की बात करूँ, सिमंस नहीं चल रहा है, हो क्या गया है सिमंस को, इतना अच्छा पीएसवी की तरफ से ये खिलाड़ी हुआ करता था, अब इसने पीएसवी छोड़ी तो किसी नई टीम में ज्वाइन किया, अभी तो चलो वहाँ पर शुरुआत है, लेकिन इसको हुआ क्या है, गेम प्ले में क्यों फ़र्क आया इसकी, ये तो शुरू से फॉर्म में रहने वाला खिलाड़ी है। अब आप ये लगा लो, मैं बड़े दिल से इसको कप्तान वाइस कप्तान रखता हूँ, बहुत पेशेंस रख के कि हाँ ये कुछ करेगा, ये कुछ करेगा, क्योंकि मैं इसका रिकॉर्ड देखता हूँ तो पीएसवी की तरफ से एक एक मैच में इस बंदे ने हैट्रिक तक कर रखी है, और पूरा बढ़िया प्लेयर है, बट कब चलेगा ये नहीं समझ आ रहा। और डी डंफ्रेस पूरी फॉर्म में, इंटर मिलन की तरफ से भी मैक्स टू मैक्स गोल, मैक्स टू मैक्स असिस्ट किए हैं इंटरनेशनल फ्रेंडली लीग में, सीरी ए लीग के अंदर, तो डी डंफ्रेस सेकेंडरी कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन है। कहीं बंदे इसको कप्तान रखने वाले हैं आज के मैच में, कहीं बंदे इसको वाइस कप्तान रखने वाले हैं आज के मैच में, सो तैयार रखना। और डी मलेन खेल गया तो बहुत अच्छी बात है, डी मलेन खेला तो ये लोग वेगरोस को नहीं खिलाएंगे, और मैं चाहता हूँ वेगरोस ना खेले, अगर वेगरोस नहीं खेलेगा ना तो सीधा सीधा डी मलेन का एक गोल एक्सपेक्ट है पूरा, इसलिए मैं मलेन को चाहता हूँ खिलाया जाए प्लेइंग 11 में, सब्स्टिट्यूट नहीं। और कोनोली की बात करें तो ये प्लेयर आयरलैंड का मेन प्लेयर है एक्चुअली, डोमेस्टिक लेवल रिकॉर्ड अच्छा, तो मैंने कहा चल ले लूँ, गोल रेशियो तो कम है लेकिन इंटरनेशनल मैच है तो चल एक आध गोल कर भी दे तो क्या हो जाएगा, तो मैंने जस्ट इसका नाम दे दिया। बिग इंजरी में कोई है नहीं। विनिंग चांसेस की बात करें तो 11% विनिंग चांसेज हैं आयरलैंड के, और नीदरलैंड के विनिंग चांसेस हैं 89%। बहुत बड़ा फ़र्क है, एक तरफ कहाँ 11 और एक तरफ कहाँ 89, सो मैं नीदरलैंड को फेवर यहाँ पर करूँगा। एंड आयरलैंड की बात करें, एक्सपेक्टेड गोल है 0, एक अगर हो गया तो वो वाया पेनल्टी हो जाए तो हो जाए, बाकी उम्मीद बहुत ना के बराबर है। उसके बाद नीदरलैंड के एक्सपेक्टेड गोल है 2, मैक्स टू मैक्स 3, तो 2 से 3 गोल नीदरलैंड के एक्सपेक्टेड है, ठीक है। आगे से अगर बात करें यहाँ पर आयरलैंड एंड नीदरलैंड्स की, तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ कुछ स्ट्राइकिंग सेक्शन की ओर। सी गैक्पो, जिसने लास्ट मैच के अंदर भी धोखा नहीं दिया, ग्रीक के खिलाफ एक गोल किया और 65 मिनट में सब्स्टिट्यूट हुआ। सब्स्टिट्यूट ये शुरू से जल्दी होता है, भले वो डोमेस्टिक लेवल हो भले वो इंटरनेशनल लेवल हो, सो गैक्पो ने मुझे आज तक मतलब परेशान नहीं किया। एंड बात करें वेगोर्स की, तो वेगोर्स ने लास्ट मैच में गोल कर दिया, अच्छी बात है, गोल ना करे तब परेशान, करे तब परेशान, तो अच्छी बात है यार। 34% सिलेक्शन दी, मेरी जीत का कारण ही यही था, तो मेरे को तो अच्छा लगा इसका गोल। एंड कोनोली की बात करें, कोनोली खेल गया तो लूँगा, बट अगर एक्सपेक्टेशन की बात करी जाए तो सामने नीदरलैंड है, गोल के चांसेस कम ही है, ऐसा नहीं कि खेल दिया तो ये कर देगा वो कर देगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा। और मिडफील्डिंग सेक्शन से बात करें तो ब्राउन को लूँगा, ए ब्राउन के बाद जो हमारा अगला प्लेयर है जे कलन, दोनों पिछले मैच में खास नहीं करके गए थे क्योंकि आयरलैंड वीक टीम है, कहाँ से करते वो। एंड डी डंफ्रेस की बात करें, पूरी फॉर्म में, पिछले मैच के अंदर 3 असिस्ट, उससे पिछले मैच में GBL के खिलाफ 28 मार्च को 86 पॉइंट्स दिए थे, 2 असिस्ट। उस 28 मार्च से 8 सितंबर के बीच में जितने डोमेस्टिक मैच हुए हैं उनके अंदर इंटर मिलन की तरफ से सबसे ज़्यादा असिस्ट इसने किए हैं और गोल भी किए हैं, सो वाइस कैप्टन का मेन ऑप्शन है, जो लोग रखने को इसको बेताब हैं वो रख सकते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा प्लेयर है सिमंस, सिमंस चल नहीं रहा,
सिमंस के ऊपर मेरी बहुत एक्सपेक्टेशन है। आप समझ नहीं रहे मैं सिमंस को क्या मानता हूँ, मैं सिमंस को किंग मानता हूँ फुटबॉल मिडफील्डिंग सेक्शन का। चल नहीं रहा, शायद पोजीशन का फ़र्क है। अगर इसको डंफ्रेस की पोजीशन भी खिलाया जाए तो ये 3 गोल कर दिए कि मैच में, ऐसा पागल खिलाड़ी है, इतना अच्छा खिलाड़ी है। तो देखते हैं खेलता है नहीं खेलता, खेलता है तो वाइस कप्तान में रखता हूँ नहीं रखता अभी कुछ नहीं पता, अभी तो मैंने रखा हुआ है बट देखते हैं। एंड डिफेंडिंग सेक्शन से बात करें, विर्गिल वैन डिजिक तो मेन है। विर्गिल वैन डिजिक हो गया, नेथन हेग हो गया, ये दोनों तो मतलब ये मान लो ये लिवरपूल का मेन प्लेयर है, ये मैनचेस्टर सिटी का मेन प्लेयर है। उसके बाद डी ब्रायन ने काफ़ी टाइम बिताया है अपना अजैक्स टीम में, उसके बाद जब अजैक्स छोड़ी तो अभी भी काफ़ी अच्छा खेल रहा है। और इसकी जगह पर कोई और प्लेयर ना ही लो तो मैं कहूँ। एंड बात करें गोल कीपिंग की तो बजैनू पेनल्टी अच्छी रोकता है खिलाड़ी, तो मैं दैट्स वाई इसको ले रहा हूँ। अब मेन बात कैप्टन की, देखिए मैं आपको एक ईजी कॉम्बिनेशन बताता हूँ। ये कॉम्बिनेशन है सबसे सेफ, इससे सेफ कॉम्बिनेशन आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि सबका कप्तान गैकपो है, सबका वाइस कप्तान डी डंफ्राइज है, कईयों का कप्तान डंफ्राइज होगा, कईयों का वाइस कप्तान गैकपो। अब क्या मैं आपको एक रिस्क वाला कॉम्बिनेशन देता हूँ, ये सेफ था ये रिस्क है। अब रिस्क चल गया तो एक तरफा जीत जाओगे, क्योंकि डंफ्राइज अगर इस मैच में फ्लॉप होता है और एक्स सिमंस एक असिस्ट भी कर देता है तो आपके हाथ में मैच आ जाएगा। अब देखते हैं होता क्या है, कहना बोलना बहुत आसान है लेकिन करता क्या है सिमंस ये पता चलेगा। तो देखते हैं, ठीक है, सेफ जाना है सेफ चले जाओ, रिस्क लेना है रिस्क ले लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।